हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागॉजी के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, या ये कहें कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो टीचर एप्टीट्यूड के हैं। और टीचर एप्टीट्यूड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली NVS, KVS, DEET+B और रीट एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होगी। बच्चों की जो हेल्प कर रहा है टीचर या शिक्षक, उसकी क्या भूमिका होगी? तो आपको पता है कि वो जो है एक सुगमकर्ता बनेगा। सुगमकर्ता का मीन होता है हेल्प करना। हम बच्चों को सिर्फ हेल्प करेंगे इन क्लासरूम, ताकि वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके अपना जो भी टारगेट है उसको कंप्लीट कर पाएँ। तो टीचर जो है यहाँ पर हेल्पर या सुगमकर्ता होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती? जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, यानी उनका जो मेंटल IQ है वो औसत नहीं होता, एवरेज नहीं होता, वो अप होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। 130 IQ जो होता है उससे अप होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो देखिए, वो किस तरफ प्रवृत्त होगा, अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ वो उसकी तरफ प्रवृत्त होगा। यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाएं भी नहीं होंगी, व्यक्तिगत मूल्य भी नहीं होंगे, पारिवारिक अपेक्षाएं भी नहीं होंगी, लेकिन जो अंतर्निहित संभावित दंड हैं उनकी तरफ वो व्यक्ति क्या होगा, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग आगे से आगे उनकी तरफ वो प्रवृत्त होता जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करवाना, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना। तो देखिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हम क्लासरूम में बच्चों को इंसिस्ट नहीं कर सकते। हमें उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं उनको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार की जो अधिगम परिस्थितियाँ हैं, जब हम उनको देंगे तो बच्चा अच्छे से अच्छे अधिगम कर पाएगा, लर्निंग कर पाएगा और हमें बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, चाइल्ड डेवलपमेंट का? तो देखिए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव के अंतर्क्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बिकॉज जो विकास और अधिगम है वो हमेशा एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, उनकी जो गति होती है, उनका जो पेस होता है, उनकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन मतलब कोई भी डिसीजन लेना या ऑब्जर्वेशन करना। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो सही जो इसका तरीका होगा देखा जाए तो वो होगा ऑप्शन ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। यानी शिक्षण अधिगम में आकलन को बार बार करते रहना चाहिए, वो उसके अंदर इंक्लूड रहता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। तो देखिए, इसमें अभिसारी चिंतन है, सांवेगिक चिंतन है, अहमवादी चिंतन है, अपसारी चिंतन है। तो देखिए, अपसारी चिंतन का मतलब होता है चारों तरफ क्या होना, फैलना इस तरीके से, मतलब कन्वर्जेंट इस तरीके से पूरा, ये देखिए। तो इस तरीके से कोई एक पॉइंट से नॉलेज स्टार्ट होगा और सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो वो जो है वो चिंतन कहलाएगा, अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सृजनात्मकता में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो वाइगोत्स्की जो सहमत होते हैं वो किस में होंगे? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे जब सीखते हैं तब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। सेकंड, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। थर्ड, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौथा, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर्क्रियाओं से समझते हैं। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक जो है अधिगम है उसके ऊपर फोकस किया, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, डी, यानी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर्क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे जो होते हैं वो क्या हैं? चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनमें चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा
दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, या जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, अपने चारों ओर के जो लिविंग वर्ल्ड है उसको देखते हैं और अपने जो भी तर्क होते हैं और जो उनकी कैपेसिटी होती है उनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तब शिक्षक सौम्य हो जाता है और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि वह उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों की त्रुटियां जो है उनके सीखने का एक अंग है। जो बच्चा जितनी त्रुटि करेगा, गलतियां करेगा, यानी वो उतना ही ज़्यादा सीख रहा है, लर्न कर रहा है। तो लर्निंग का एक पार्ट है एरर, और त्रुटि जो एरर है वो होना आवश्यक है, संभावित है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वह अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर प्रश्न करना है। सेकंड, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, संपन्न घरों से हैं, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। थर्ड, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करें। या चौथा, कड़े नियम बनाएं और उन्हें बच्चों से उनका पालन करवाएं, उन्हें दंड दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पता लगाना है और कक्षा में अलग अलग मतों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। यही एक अध्यापक को सुनिश्चित करना होता है अपने कक्षा कक्ष में। क्वेश्चन नंबर 12, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला बैठकर पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किस विविधता के कारण है? कौन सी विविधता होगी? अभिक्षमता वाली, अधिगम शैली, परावर्तकता स्तर या मूल्यों के? तो ये होगी अधिगम शैली। ये उनकी लर्निंग शैली है, उनकी लर्न करने की कैपेसिटी है कि वो किस तरीके से लर्न करना चाहते हैं, अकेले में करना चाहते हैं, ग्रुप में करना चाहते हैं, पीयर ग्रुप में करना चाहते हैं। तो ये उनकी अधिगम शैली के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में भाषिक विविधता बहुत है, विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा एक और दो के प्राथमिक स्तर के बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिज्ञ के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, या शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है 2020, उसमें भी ये साफ साफ बताया गया है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना है और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि अगली जो प्री प्राइमरी लेवल होता है वहाँ तक बच्चा अपनी मातृभाषा में चाहे तो उस नॉलेज को टीचर उनको देगा। तो अपनी मातृभाषाओं के लिए उनको प्रमोट करना है। नेक्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ये जो प्रकृति पोषण विवाद है, इसमें पहला है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति का मतलब होगा यहाँ पर जैविक विशिष्टताएं यानी बायोलॉजिकल जो स्पेशलिटी है वो, और वंशक्रम की सूचनाएं, उनका जो उनकी जो वंशक्रम है, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं, उनकी सूचनाएं, ये इसका प्रकृति का इसका जिम्मेदार होंगे। लास्ट, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सेकंड, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। थर्ड, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतक्रिया नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो कि टीचर एप्टीट्यूड या पैडागॉजी से रिलेटेड थे और सभी जो आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसी का सेकंड पार्ट आने वाले टाइम में हम वापस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट 16 क्वेश्चन से आगे प्रोसीड करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले और अपनी तैयारियों में लगे रहें। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।